हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में वी आर गोइंग टू सी लेवेंडर फेस्टिवल। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ये फेस्टिवल है, एंड अरोमा मिशन को भी साथ में हम कवर करेंगे क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, पर उससे पहले आप सब अपने अकेडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। जून एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 या 36 मंथ्स, आप जिसका भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं आप साथ में देख सकते हैं आपको कितने मंथ्स फ्री का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो यू कैन हरी, क्योंकि ये जो ऑफर है ये कल तक के लिए ही है, कल ये एंड हो जाएगा। एंड यूज करिएगा कोड AMS लाइव टू अवेल एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अनअकैडमी UPSC प्रॉमिस भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपका प्रिलिम्स क्लियर हो जाता है तो आपको फुल्ली पेड QEP मिलेगा फॉर द मेन्स। अगर आपका मेन्स क्लियर हो जाता है आपको साथ साथ फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी अवेलेबल हो रहा है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। एंड आफ्टर इंटरव्यू 100% ऑफ द फी विल बी रिफंडेड। अब देखो, ऑल स्टार फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हो गया, आप इसके अंदर भी एनरोल कर सकते हैं AMS लाइव कोड का इस्तेमाल कर कर। ऑप्शनल कार्निवल भी चल रहा है, ये सब टीचर्स हैं जो कि ऑप्शनल को कवर कर रहे हैं। एंड और सब बैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट 11th of June को होने वाला है, सुबह 11 बजे जरूर देना। एंड अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो देखो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा। चलो अब देखो, रिसेंटली क्या हुआ, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने इनॉग्रेट किया लेवेंडर फेस्टिवल इन भदरवा, जो कि जम्मू के अंदर है, एज पार्ट ऑफ द 1 week 1 lab कैंपेन विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय CSIR IIIM। अब देखो ये क्या है, ये एक तरीके का हम देख सकते हैं कि एक फेस्टिवल है जो कि हमें स्पेसिफिकली देखने को मिला है कि यहाँ पर भदरवा ये जो जगह है कहाँ पर है, जम्मू के अंदर है, जिसको बोला जाता है इट इज दी लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया एंड एन एग्री स्टार्टअप डेस्टिनेशन भी है ये। यहाँ पर हमें ये देखने को मिला है एंड दिस इज द सेकेंड ईयर ऑफ दिस पर्टिकुलर फेस्टिवल। पहले भी इसको सेलिब्रेट किया गया था, इस रिवोल्यूशन को एक तरीके से सेलिब्रेट किया गया था। अब देखो ये जो लेवेंडर रिवोल्यूशन है, जिसको हम पर्पल रिवोल्यूशन भी कहते हैं, एंड एरोमा मिशन, इनका मेन फोकस क्या है, इनका मेन फोकस ये है, ये जो फ्रेग्रेंट फ्लावरिंग प्लांट है जैसे लेवेंडर प्लांट हम कहते हैं, आपने देखा भी होगा, इसका बहुत अच्छा एक अरोमा होती है, बहुत अच्छी खुशबू होती है, पर्पल कलर का फ्लावर होता है, बहुत सूदिंग सेंट होती है इसकी। एंड इट इज यूज्ड इन वेरियस डिफरेंट प्रोडक्ट्स आल्सो, जैसे कि असेंशियल ऑयल में आपने देखा होगा आजकल बहुत ज्यादा लेवेंडर ऑयल चल रहा है, ठीक है, लोग काम करने के लिए अपने आप को इसको इस्तेमाल करते हैं, तो असेंशियल ऑयल में ये यूज होता है। एंड अरोमा थेरेपी में ये यूज होता है, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है, एंड क्यूलरी एप्लीकेशंस के लिए भी इसको यूज किया जाता है, इवन मेडिसिन में भी बहुत बारी लेवेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको और बढ़ावा देना, इनसे रिलेटेड जो भी फार्मर्स हैं उनको बढ़ावा देना, एग्रो इकोनॉमी को बढ़ावा देना, ये बेसिक यहाँ पर फोकस है। लेवेंडर रिवोल्यूशन को बेसिकली लॉन्च किया गया था 2016 के अंदर बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू CSIR एरोमा मिशन, ठीक है। तो ये जो मिशन है वो स्पेसिफिकली इसी के लिए आया था, ऑब्जेक्टिव यही है, डोमेस्टिक एरोमेटिक क्रॉप बेस्ड एग्रो इकोनॉमी को और भी आगे लेकर आना, एंटरप्रेन्योरशिप को और भी ज्यादा बढ़ाना। अब देखो प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें लेवेंडर ऑयल से रिलेटेड, तो लेवेंडर वाटर, ठीक है, लेवेंडर ऑयल, हाइड्रोसोल बेसिकली डिस्टिलेशन करके फ्लावर का, एंड उसके बाद सोप्स एंड ऑल के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है लेवेंडर को, इवन मेडिसिन में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। एंड हेंस यहाँ पर यही फोकस है कि हम इसको और भी ज्यादा बढ़ावा दें, इससे रिलेटेड जो भी हमें लोग देखने को मिल रहे हैं हम उनको बेनिफिट दें, चाहे वो मॉनेटरी बेसिस पर हो चाहे कैसे भी हो, उनको बढ़ावा दें। एंड देखो इससे फाइनली क्या फायदा होगा, हम फार्मर की जो इनकम है उसको डबल कर पाएंगे, प्रोवाइड कर पाएंगे लाइवलीहुड, प्रमोट कर पाएंगे एंटरप्रेन्योरशिप को, है ना, ये हमें इसके बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। अब ये जो लेवेंडर है इसकी कल्टीवेशन की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट ऑल द 20 districts ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वहां पर हमें इसका जो कल्टीवेशन है वो देखने को मिलता है। एंड अंडर द मिशन फर्स्ट टाइम जो फार्मर्स हैं उनको फ्री लेवेंडर सैपलिंग दी गई थी। एंड उसके बाद क्या हुआ, वाइल दोज हु हैड कल्टीवेटेड द लेवेंडर बिफोर, जिन्होंने पहले भी किया हुआ है, उनको 5 to 6 पर सैपलिंग, मतलब बहुत कम चार्ज में कहीं ना कहीं दिया गया था। मेन फोकस यही था, जो कि जस्ट अभी इसके अंदर एंटर कर रहे हैं वो फ्री सैपलिंग से कहीं ना कहीं फायदा ले सके, एंड जो पहले भी कर चुके हैं उनको भी फायदा हो मॉनेटरी बेसिस पर। सिग्निफिकेंस आप देख सकते हैं, स्टार्टअप इंडिया कैंपेन भी हमें आगे आता हुआ नजर आएगा, डबल कर पाएंगे फार्मर्स की इनकम को, जो कि हमारा है कि बाय 2022 हमें करना ही करना है ना। एंड ओवर 500 यूथ हैड टेकन बेनिफिट फ्रॉम द पर्पल रिवोल्यूशन एंड ऑगमेंटेड देयर इनकम मेनी फोल्ड, तो हमें ओवरऑल ये बेनिफिट इसका देखने को मिलेगा। अब एरोमा मिशन की अगर हम बात करते हैं, CSIR का इनिशिएटिव है,
ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाने का एरोमा सेक्टर के अंदर। एरोमा सेक्टर का मतलब ये कि सोप्स एंड ऑल में, एसेंशियल्स ऑयल में, ठीक है, परफ्यूम्स एंड ऑल में, यहाँ पर हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। फेज वन, फेज टू, ठीक है, ऐसे ऐसे हमें इसके फेजेस आते हुए नजर आए। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को फोकस किया गया, अलग अलग लोगों को ट्रेन किया गया, एंगेजमेंट बढ़ाई गई, रिसोर्स अवेलेबल करवाई गई, स्किल बनाया गया, ऐसे ही इस तरीके से वर्क करेगा। नोडल एजेंसी इसकी CSIR है, या फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट है, ठीक है, ये आपको याद रखना। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही था, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आई। चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।